पेड़ में आग लग गई। अरे यार देख लो भाई, अरे यार सुना था, हमारे पास मैसेज आया था अमृत भारत को लेके, सारी ट्रेनों को अयोध्या जाने वाली जितनी भी ट्रेन थी सारी ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है, तो इस कारण से ट्रेनें अभी अयोध्या नहीं जा रही हैं। तो वसूली करके उतर रही हैं, सब जल्दीबाजी का सौदा है। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। अभी फिलहाल हम दानापुर रेलवे स्टेशन है और आज की जो जर्नी होने जा रही है 13,239 यानी कि पटना कोटा एक्सप्रेस में, और हम इस ट्रेन से जा रहे हैं अयोध्या। जी हाँ, श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या जा रहे हैं अमृत भारत कवर करने। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, सब कुछ बताएंगे हम कैसे अयोध्या तक पहुँचे। और जी ये आ गई अपनी WAP BAP 7 लोकोमोटिव इंजन के साथ हमारी पटना कोटा एक्सप्रेस, पहले ही रुक गया, उधर ही जाना पड़ेगा हमको। तो आज की जो हमारी जर्नी होगी सेकंड क्लास यानी कि जनरल क्लास में होगी, और आज की जर्नी में हमारे साथ है राज भाई, ये बिहारी जर्नी के राज भाई भी हैं, इधर आओ भाई, हाय करो। तो ये भाई भी आज हमारे साथ चल रहे हैं अमृत भारत कवर करने, हम दोनों भाई जा रहे हैं अयोध्या जा रहे हैं। तो जी निकल चुकी है अपनी कोटा एक्सप्रेस दानापुर के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से, दानापुर के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकल चुकी है अपनी कोटा एक्सप्रेस कोटा के लिए। बात करें दानापुर स्टेशन का, तो दानापुर स्टेशन कोड हो गया DNR, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है, हेडक्वार्टर हो गया हाजीपुर। यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म है और एक है 1M, टोटल मिला के 6 प्लेटफॉर्म होते हैं यहाँ पे। दानापुर एक डिवीजन भी है, दानापुर डिवीजन का हेडक्वार्टर भी दानापुर में। किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है आरा जंक्शन। आरा जंक्शन को इसलिए जंक्शन बोला जाता है क्योंकि एक ट्रेन एक रूट यहां से हीरो विक्रमगंज सासाराम होते हुए मुगलसराय को जाती है, और एक लाइन से सीधे बक्सर होते हुए हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक तरफ पड़ेंगे, इस वजह से आरा को आरा जंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है, स्टेशन कोड हो गया ARA, दानापुर डिवीजन में आता अपना ये स्टेशन और ईस्ट सेंट्रल रेलवे में। तो खुल गई भी है ट्रेन आरा जंक्शन से, अब आरा व भोजपुरी में बात ना करेगी हो ना सकेला, तो भाई खुल गई भी ट्रेन नहीं जाले आरा से का हो। बाकी जो हमारे पुरान सब्सक्राइबर बन उनको पता है कि हम आरा के ही रहे वाला हैं, प्रॉपर घर हमारा आरा में ही बा, मतलब पूछते हैं नहीं गाँव हमारे जो गाँव बोल आरा जिला में ही बा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन ना चेक करो। तो फिलहाल 209 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, इसका स्टेशन कोड हो गया DDU, पहले इसका नाम था मुगल सराय जंक्शन जिसको हमारी सरकार ने बदल के नया नाम रख दिया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। यहाँ पे 10 प्लेटफॉर्म है और ट्रैक है 27, और आपको बता दे पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्शलिंग यार्ड है, एशिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड है जो कि 12.5 किलोमीटर में फैला हुआ है, और यहाँ हमारी ट्रेन का 10 मिनट स्टॉप है और हमारी ट्रेन यहाँ आई है 20 मिनट बिफोर, तो कुल मिला के बात है कि 30 मिनट यहाँ की, मतलब कि आधे घंटे हमारी ट्रेन यहाँ रुकने वाली है, और यहाँ हमारी ट्रेन के लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर दोनों चेंज होते हैं। और देखो भाई प्लेटफॉर्म से कितना दूर है, ये गैप देख रहे हो ना आप, ये देख लो गैप कितना गैप हो रहा है। मुगलसराय में ऑप्शन का कमी नहीं है खाने पीने का, देख लो यहाँ पे भुजा भी मिलता है, भुजा भी बनवा सकते हो आप 20 रुपए का, तो हम बनवा रहे भैया से, फल वल सब मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो हो चुका है सिग्नल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से, लोकोमोटिव साहब देखिए वहाँ पे हरी झंडी दिखाते हुए ट्रेन अब रवाना होने को बिल्कुल तैयार। तो आखिरकार आधा घंटा रुकने के बाद ट्रेन हमारी यहाँ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से रवाना होती हुई, अब इसके बाद वाराणसी अपना अगला हॉल्ट आएगा। भाई वीडियो में बने रहें, और वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ आपको बता दें क्योंकि हम आपको बोले थे अयोध्या जा रहे हैं हम, लेकिन अयोध्या का प्लान जो था वो रास्ते में एक नोटिफिकेशन आया था, हमारे पास मैसेज आया था अमृत भारत को लेके, मैसेज यह था कि अयोध्या की जितनी भी ट्रेनें अभी सारी ट्रेनों को अयोध्या जाने वाली जितनी भी ट्रेन थी सारी ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है, तो इस कारण से ट्रेनें अभी अयोध्या नहीं जा रही हैं, तो हम इस ट्रेन को सुल्तानपुर में छोड़ेंगे और सुल्तानपुर से आगे तक जर्नी करेंगे, कैसे करेंगे उस जर्नी का भी वीडियो इस पार्ट में ही आएगा, तो दोनों ट्रेन का वीडियो इस ब्लॉग में ही हम इंक्लूड करके आप सभी को दिखाएंगे। तो यही है, और हाँ एक चीज़ और आपको बता दे रहे हैं, आपको ट्रेन के अंदर भी और ट्रेन के बाहर भी एकदम रियल लाइफ ट्रेन की फीलिंग कराने जा रहा हूँ। देखिए वहाँ सामने से हमारी क्रॉस कर रही है दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस जो कि सिकंदराबाद से चल के आ रही है फिलहाल और दानापुर को जाएगी।
भाई, ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन में आग लग गई है। देख रहे हैं कितना धुआं आ रहा है, देखिए धुआं धुआं हो गया पूरा ट्रेन। अरे यार देख लो भाई, अरे यार जी आ गई हमारी गंगा मैया पुल पे। हम इंटर कर रहे हैं काशी वाले पुल पे, और यहाँ पे मोबाइल निकालने से पहले, रिकॉर्ड करने से पहले अपने रिस्क पे निकाले। यहाँ पे मोबाइल सिर्फ बहुत होते हैं। और देखिए ये हाथ में का बदी है जो कि आज हम काटे हैं, चेंज किए हैं, तो इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि हम नुकसान आता नहीं। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो इस चीज़ को हम गंगा मैया में प्रवाह करेंगे, आप लोग भी ऐसा ही करें। जय हो गंगा मैया। जय काशी विश्वनाथ। जो जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा, कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जय काशी विश्वनाथ। काशी स्टेशन को हमारी ट्रेन स्पीड कर रही है, देखिए वहाँ पे स्टेशन मास्टर हरा झंडा सिग्नल दिखा रहे हैं। देखिए जल्दीबाजी का सौदा, ये ट्रेन होस्टेज हैं, ट्रेन से वसूली करके उतर रही हैं। सब जल्दीबाजी का सौदा है। ये देख लो दोस्तों, सामने क्रॉसिंग हो रहा है हमारी यहाँ भारत ज्ञान बनसान वंदे भारत से, और सामने देखिए कितना सुंदर सा सनसेट हो रहा है। वाराणसी जंक्शन ये आल भाई वाराणसी के, देख लो जैसे जैसे लंगर चल रहा हो इस तरह से ये दौड़ के भाग रहे हैं। और देखिएगा यहाँ के बाद इस कंपार्टमेंट का क्या होगा। देखिए वाराणसी से पहले हमारा जो कंपार्टमेंट है ऑलमोस्ट खाली खाली है दोस्तों। तो पहुँच चुके हैं महाकाल की नगरी काशी विश्वनाथ, यानी कि वाराणसी कैंट। वाराणसी स्टेशन कोड हो गया BSB। यहाँ पे टोटल 11 प्लेटफॉर्म है, 1A और 1 अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ट्रैक है टोटल 23। डिवीजन हो गया वाराणसी, जोन हो गया नॉर्दर्न रेलवे। और वाराणसी के बारे में आपको क्या बताएं, आपको तो पता ही है वाराणसी जो बनारस घाटों का शहर है। यहाँ पे आपको 84 घाट मिल जाएंगे देखने को, जिसमें से दशाश्वमेध घाट पे शाम के समय, संध्या के समय पे बहुत विशाल भव्य आरती होती है। 80 घाट पे भी आरती होती है, लेकिन जो फेमस आरती है वो दशाश्वमेध घाट की आरती है। तो अगर आप कभी सब रूट से जा रहे हो, अगर आपके पास टाइम हो तो वाराणसी के मतलब बनारस के घाटों को जाना, दर्शन करना ना भूले। और यहाँ पे आपको बता दें, ज्योति 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग हमारा काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग जी महाराज यहीं पे हैं वाराणसी में। ये कुछ जानकारियाँ थी बनारस के बारे में। और यहाँ से ट्रेन को हमारी सिग्नल दिया जा चुका है, ट्रेन अब हमारी यहाँ से चलने को बिल्कुल तैयार वाराणसी कैंट से। और देखिए हमारी ट्रेन को रोक के यहाँ पे वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत को सिग्नल दिया गया है। वंदे भारत नई दिल्ली, देश की राजधानी नई दिल्ली जाने को तैयार है वाराणसी से, महादेव के नगरी से। देखिए क्या लग रहा है भाई, जबरदस्त एकदम प्रीमियम लुक देख रहे हो ना भाई, एकदम शानदार। और हॉर्न देखो, हॉकिंग सुनो आप, इसका अलग ही इसका फील है, अलग ही लेवल का मजा है इसी सब चीज़ों का भाई। देख लो जी आपके सामने एकदम न्यू प्रीमियम ब्रांडेड न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस। दोस्तों बाबतपुर में आके यहाँ पे हमारी ट्रेन खड़ी हो चुकी है, सिग्नल लाल है। आपको बता दें बाबतपुर में ही है वाराणसी का मतलब बनारस का एयरपोर्ट जो है, यहीं पे बिल्कुल पास में। स्टेशन से आप उधर जाओगे ना तो उधर ही है एयरपोर्ट। दिन में अगर आप आओगे तो बहुत मस्त व्यू मिलेगा आपको। और देखिए मेला स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, जनरल क्लास में सब लोग अब चढ़ेंगे। अभी तक तो खाली खाली है ट्रेन, और बैग ले लेते हैं अपने, उठ जाना है अयोध्या तक। तो सुल्तानपुर में हम इस ट्रेन को पटना कोटा एक्सप्रेस को अलविदा बोलेंगे। और आपको बता दिए टोटल 22 स्टॉप लगाती है, टोटल 22 स्टॉप के साथ पहुँचती है ये कोटा जब पटना से चलती है। तो
और हमें तो हालांकि कोटा तक जाना नहीं है। हालांकि मैंने इस ट्रेन की जर्नी पहले भी की हुई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हो, जो कि मैंने आगरा से पटना तरफ करी थी, तो चैनल पे लाइव आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम कैसे अयोध्या के लिए बढ़ेंगे वो हम आपको बताते हैं थोड़ी देर में, थोड़ा हम ट्रेन में चेक कर लेते हैं और बाहर जाके कुछ खाना वाना खा लेते हैं। टिकट भी हमको कटाना है, अभी टिकट बस मेरा जो पटना से था यहीं तक का था, तो बाहर निकल के पहले एक बार टिकट अपडेट करेंगे, उसके बाद आगे आपको सब कुछ रिपोर्ट बताते हैं कैसे हम जा रहे हैं अयोध्या तक, कैसे पहुंचे हम इस कड़क ठंड में आप लोगों के लिए अमृत भारत कवर करेंगे। देखिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई हुई है हमारी कोटा पटना एक्सप्रेस। काफ़ी कुछ है यहाँ पे, खाने पीने का आइटम आपको मिल जाएगा, पानी का बोतल है, अंडा पकौड़ा है, ब्रेड पकौड़ा है, समोसे हैं, बहुत सारा ऑप्शन है आपको यहाँ पे खाने पीने के लिए मिल जाएगा। ट्रेन यहाँ पे हमारी 3 मिनट से रुकी हुई है। यही है ठंडे के मौसम में अभी सफ़र करने का अलग ही मज़ा होता है। तो जी निकल चुकी है अपनी ये पटना कोटा एक्सप्रेस सुल्तानपुर जंक्शन से। तो चलिए इस ट्रेन को हमने बाय बाय बोला, टाटा बोला, अब चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ट्रेन में। तब तक बाहर चल के टिकट अपना अपडेट करा, टिकट विकेट हमने अपडेट करा लिया यहाँ पे सुल्तानपुर से अयोध्या के लिए, और हमने यहाँ पे रोल भी पैक करा लिया, वो रोल पैक कराया हमने, हमारे एक फ्रेंड भी आ रहे हैं वो भी चल रहे हैं हमारे साथ अयोध्या, और हमने तो यहाँ पे बाहर एकदम प्रॉपर हमने खाना खा लिया था, रोटी सब्जी उब्जी। और देखो बाहर से कुछ ऐसा है अपना सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन, देख लो भाई ऐसा है कुछ, और कुहासा देख रहे हो ना फॉग ऊपर। तो देखो भाई ट्रेन आ चुकी है हमारी, लेकिन कुहासा इतना कि ट्रेन दिख भी नहीं रही है ट्रेन हमारी। और ये ट्रेन है हमारी सरजू एक्सप्रेस 14233, इसी ट्रेन से हम जाएंगे सुल्तानपुर से अयोध्या तक। देखिए कुहासा, अरे भाई यार ये तो बैग 9 के साथ है, ये मालगाड़ी वाला इंजन लगा हुआ है, आप देखिए मूड ऑफ हो गया, इसका मतलब कि ज़्यादा एक्सेलरेशन इस ट्रेन में देखने को नहीं मिलेगा। हाँ शॉर्ट डिस्टेंस की जर्नी कवर करती है ट्रेन, इस वजह से बैग 9 लगा हुआ हो इसमें। तो आ चुकी है ट्रेन हमारी ये सुल्तानपुर में, इसी से हमें अयोध्या जाएंगे। तो भाई आके लग चुकी है सुल्तानपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अपनी सरयू एक्सप्रेस, और चलिए चलते हैं इसके जनरल में ही हमारी जर्नी होगी, तो चलिए चलते हैं जनरल कोच के अंदर जो कि फिलहाल अभी बिल्कुल ही खाली है। तो इस सीट पे हम बैठेंगे और अयोध्या तक हम जाएंगे, तो ये सीट है हमारा। वैसे इस ट्रेन का अगर बात किया जाए तो ये इस ट्रेन का टाइम यहाँ पे सुल्तानपुर में 9:35 था, और आई है 11:02 पे, तकरीबन 1.5 घंटे की देरी के साथ हमें ये पहुँचा देती अयोध्या 11:35 में। लेकिन अब देखिए कब हम अयोध्या पहुँचेंगे। तो चलिए जर्नी की शुरुआत हो चुकी है अयोध्या के लिए, हम तकरीबन यहाँ से 60-65 किलोमीटर की ही दूरी पे है अयोध्या, ज़्यादा टाइम लगना है नहीं, तो रात वैसे भी रात हो चुका है, ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं, तो आपसे डायरेक्ट सीधे हमारे मुलाकात अयोध्या में होगी। और रास्ते में अगर कुछ मिला, अगर कुछ ऐसा लगे कि मुझे आपको दिखाना चाहिए तो दिखाऊंगा। बगल में हमारे चाचा बैठे हुए हैं, मतलब चाय चाय कर रहे हैं, चाय के लिए। चाय चाचा कैसे पिलाइए, चाय पिलाइए, हाँ चाय पिलाइए, चाय ले लेते हैं हम चाचा से और गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं। ठंडा का ठंड बहुत गिर रहा है, आपको पता ही कुहासा आप लोग देखे हैं, तो यहाँ पे हम दोनों भाई चाय ले लिए हैं, और चलिए चाय का रिव्यू दे देते हैं कैसा है सुल्तानपुर का चाय। स्टेशन का चाय स्टेशन की तरह ही होता है, कोई खास दम नहीं है, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हो, ठंडा में अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो बेटर ऑप्शन है ये, फिर ये आप ट्राई कर सकते हो। और इसी के साथ अपनी डिपार्ट हो गई सुल्तानपुर से हमारी ट्रेन सरजू एक्सप्रेस। और देखिए ये नया वाला हमारा अयोध्या रेलवे स्टेशन कितना रात को एकदम सुंदर लग रहा है। पहुंच चुके हैं अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन, लोगों ने देखा कि इस तरह से हमारा सफर रहा यहाँ अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन तक का। पटना कोटा एक्सप्रेस से हम दानापुर में बोर्ड हुए और उससे हम सुल्तानपुर आए, सुल्तानपुर से हमने सरजू एक्सप्रेस को पकड़ा और वहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचे। तो ये सब कुछ एफर्ट हमने इतना ठंड में उठाया सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगाओ, और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा, आप जो पीछे देख रहे हैं ना स्टेशन, इसका इनॉग्रल होना है 30 तारीख को, तो इसका भी ब्लॉग अभी आने वाला है, अमृत भारत एक्सप्रेस का भी ब्लॉग आने वाला है, उसी चीज़ के लिए हम आए हैं। तो चलिए आप दीजिए मुझे इजाज़त, आपसे मिलेंगे हम इनॉग्रल के दिन, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।